उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर रुद्रपुर विधानसभा के शिवपुर गांव में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर्मचारी संगठन की जिलाध्यक्ष मनप्रीत कौर के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक दल विधायक शिव अरोरा से मुलाकात करने पहुंचा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मनप्रीत कौर ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी के आह्वान के बाद प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल कर रही हैं और चार मुख्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार किया जा रहा है, लेकिन सरकार की कार्यप्रणाली देखते हुए अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, इसलिए आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रुद्रपुर विधायक को एक मांग पत्र सौंपा है। इस मौके पर बोलते हुए रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जायज मांगों को पूरा करने का प्रयास सरकार करेगी और मुख्यमंत्री जी से वह स्वयं वार्ता करेंगे कि उनकी जायज मांगों पर जल्द निर्णय लिया जाए। विधायक जी, आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से आप गांधी पार्क में मिले हैं, शिवपुर गांव में भी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रही हैं, तो क्या कहना है, सरकार का क्या इस पे स्टैंड रहेगा? देखिए, आंगनबाड़ी हमारी व्यवस्था की, हमारी सरकारी योजनाओं की, हमारी विकास योजनाओं की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और सारी बहनें हमारी बहुत महत्वपूर्ण बहनें हैं। ये मांग को लेके पूरे प्रदेश में इनका धरना चल रहा है। मैं आज गांधी पार्क में रुद्रपुर ब्लॉक की जो बहनें उनके धरने में गया था और उन्होंने मुझे मांग पत्र दिया है, मैंने उन्हें आश्वस्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो युवा भी हैं, सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उनसे इस विषय पर मैं चर्चा करके इनकी समस्याओं का और इनकी मांगों का शीघ्र अतिशीघ्र समाधान कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।